एवरीवन, दिस इज संदीप सोनगढ़े। आप सभी लोग का स्वागत है संदीप सर क्लासेस भोपाल के अंदर। आज हम नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। डिवीजर या फैक्टर बोलते हैं, भाजक या गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, राइट। नंबर सिस्टम की स्टेप बाय स्टेप क्लासेस चल रही है। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो आपको मिल जाएगा नंबर सिस्टम 01 करके, ठीक है ना। एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनी हुई है, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। ट्रिकी फॉर्म में क्लियर है तो आप नाम पर जाइए, पिक पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा वीडियो और प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप क्या करें, नंबर सिस्टम 01 करके देखें। नंबर सिस्टम समांतर श्रेणी एपी की भी सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। चलो तो हम क्या पढ़ेंगे आज, डिवीजर, फैक्टर या भाजक और गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। आपको समझना है इसके चार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल 36 मेरे पास नंबर है, 36 मेरे पास नंबर है और क्वेश्चन आ गया फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर या फैक्टर। हिंदी वाले परेशान मत हो, तो भाजकों की संख्या इसको या क्या बोलते हैं, गुणनखंड फैक्टर, ठीक है ना। भाजकों और गुणनखंडों की संख्या, जैसे ही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ऐसे चार क्वेश्चन बनते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे तक बनी रहेगा। इसके तो पहले हम डिटेल में देखें, इसका ट्रिक फॉर्म में देखेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। आप लास्ट क्लासेस देखेंगे तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, बहुत मजा आएगा, जैसा बच्चों का रिस्पॉन्स मुझे मिला है, ठीक। जैसे 36 है तो आपको यह पूछा जा रहा है कि 36 को कितनी संख्याओं से कंप्लीटली विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ। तो हम देखते हैं कि पहली संख्या क्या होती है, 1। पहली संख्या क्या होगी, 1। तो 1 एक ऐसी संख्या है जिसको हम किस 36 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 से, हाँ कर सकते हैं। कितने बार, 36 बार। हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद क्या हम 3 से कर सकते हैं, देखो हाँ 3 से भी कर सकते हैं। 4 से भी कर सकते हैं। 6 से, 5 से नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है, हाँ 6 टाइम होगा तो 36 हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है। 7 से हो सकता है, 8 से नहीं हो सकता, 9 से, 9 से कितने बार, 4 टाइम्स हो सकता है डिवाइड। उसके बाद 10 से होगा, नहीं होगा। 11 से होगा, नहीं होगा। इसका 12 से होगा, 4 टाइम्स। उसके बाद क्या हो गया, 14 से नहीं होगा, 15 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट किससे होगा, 18 से हो रहा है। और किससे, लास्ट, कुछ बच्चे यहाँ गलती करेंगे, बस इतना रख करके कर लेते हैं, इतना हमको डिटेल में नहीं करना, पहले समझ लो, ठीक है ना। इसके हम शॉर्ट ट्रिक भी कर लेंगे। और लास्ट क्या है, 36 भी तो वह संख्या जिससे हम विभाजित करेंगे, समझ लो। इतनी संख्याओं से हम 36 को क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली विभाजित, डिवाइड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर, आई थिंक सो क्लियर हो गया। कितने नंबर हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, 9 ऐसी संख्या है, 9 ऐसे नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, 36 को हम 9 ऐसी संख्या जिससे विभाजित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजर या फैक्टर, भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, क्लियर। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इसमें जो आता है वो ये है, फाइंड ऑड डिवीजर। ट्रिक इतनी अच्छी है, आपको चीजें समझ में आएगी, विद इन सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लो। बहुत सारे बच्चे के मेरे पास कॉल आते हैं, सर कई टीचर ट्रिक तो बता देते लेकिन ट्रिक कैसे बनी वो चीज नहीं बता पाते, ठीक है ना, सेटिस्फाई नहीं हो पाती है। फाइंड ऑड डिवीजर या फैक्टर मतलब विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या, ठीक है। ऑड डिवीजर निकालना है आपको। ऑड मतलब ऐसे नंबर जो दो के मल्टीपल ना हो, दो के मल्टीपल नहीं होना चाहिए, है ना भाई। एक क्या दो का मल्टीपल है, नहीं है भाई, एक ऑड नंबर है, ठीक है। दो तो इवन हो गया, मतलब विषम संख्या है। तीन विषम संख्या है यहां पर, और चार भी दो का मल्टीपल है, छह भी दो का मल्टीपल है, नाइन दो का मल्टीपल है, नहीं है तो ये भी ऑड है। 12 भी दो का मल्टीपल है, 18 भी, 36 भी क्या है, दो का मल्टीपल है, राइट। तो ऑड नंबर कितने हो गए यार, 3 हो गए। तो मेरा आंसर क्या हो गया, फाइंड ऑड डिवीजर, विषम भाजकों की संख्या कितनी निकल गई, 1, 2, 3, गॉट इट, क्लियर। तो 3 क्या हो गए मेरे पास, विषम भाजक, ठीक है ना, ऑड डिवीजर।
देखो पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, लेकिन कोई बड़ी संख्या आ गई तो इतना थोड़ी ना लिखोगे आप, उसके लिए बताऊँ कैसे करना है। पहले एकदम डिटेल में देख लो। थर्ड क्वेश्चन इसमें आ जाता है, फाइंड इवन डिवीजर, इवन डिवीजर, ठीक है ना, ये थ्री उस साइड कर लेना। इसका आंसर क्या है? थ्री है, ठीक। इवन डिवीजर मतलब सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, ठीक है। डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर ट्रिक फॉर्म में पढ़ेंगे, इससे क्या होगा कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पर समभाजक देखो दो के मल्टीपल कौन कौन से, एक ये हो गया, एक दो तीन चार पांच छह, तो समभाजकों की संख्या इवन डिवीजर कितने मिल गए मेरे पास, सिक्स। इतना क्लियर है, दिख रहा ना लास्ट तक, कितने मिल गए मेरे पास इवन डिवीजर, भाजकों की संख्या छह मिल गई, ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है, तीन क्वेश्चन समझ में आ गए, नंबर ऑफ डिवीजर, ऑड डिवीजर, इवन डिवीजर, एंड लास्ट आएगा आपका फोर्थ क्वेश्चन आएगा सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर या फैक्टर डिवीजर, भाजकों या गुणनखंडों का योग आता है क्वेश्चन, भाजकों या गुणनखंडों का योग, मतलब जितने डिवीजर हैं आपके पास ऑड हो या इवन, सारे डिवीजर क्या कर दो, सम कर दो, योग कर दो, जब इनका सबका सम कर देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 91। आप करके देखिए आपका आंसर क्या हो गया, 91। तो ये भैया डिटेल हो गया, ठीक। ट्रिक देखते हैं, बहुत शानदार तरीके से इसको कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो ये समझ में आ गया कि भाई हमारे टोटल डिवीजर कितने निकले, 9, ऑड डिवीजर हमारे 3 निकल गए, और इवन डिवीजर कितने निकले, 6, और सम कितना निकला, 91। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, समझ लो टाइम लग सकता है लेकिन ट्रिक फॉर्म में देखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसके फैक्टर कर लो, और फैक्टर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, या तो एलसीएम ले लो अगर नहीं बनता एकदम भी, एकदम जीरो पर है, ट्वेल्थ लेवल पर है, ग्रेजुएशन है, सबका एक अलग अलग लेवल है, हर प्रकार के स्टूडेंट है यार, ठीक है। आप बहुत जल्दी फैक्टर कर रहे हो, आप अपनी स्पीड मेंटेन करो, जो जीरो पर है वो आगे स्पीड मेंटेन करे, जैसे 36 है तो आप एलसीएम लेकर फैक्टर निकाल लो, 18, 9, 3 से जा रहा है, फिर 3 से जा रहा है, तो कितने फैक्टर हो गए यार, दो के कितने हैं, दो कितने बार है, दो बार, तो दो की पावर दो लिख सकता हूं ना, कोई समस्या नहीं है। थ्री कितने बार है, टू टाइम्स है, तो मैंने इसको टू लिख दिया, ऐसे फैक्टर कर लेना है, ठीक है, क्लियर हो गया। एलसीएम लेकर आप फैक्टर कर सकते हो, अदरवाइज सीधी सी बात है, आपको क्या पता है फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, 6 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 36 होगा, और भी संख्या है 12 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं। तो आप फैक्टर कैसे निकालेंगे, मान लो 9 और 4 का मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालना चाहते हो, तो 9 मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 × 3, और 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2, मतलब इनिशियल लेवल लेना है, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकता हूं, 2 का स्क्वायर आया कि नहीं आया, 3 का स्क्वायर, एकदम समझा रहा हूं। 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, और यहां 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो देखो 2 कितने बार है 2 बार है, तो 3 कितने बार है 2 बार, जो मन में डाउट रह जाते हैं सारे डाउट क्लियर करना है। 12 को क्या लिख सकता हूं, 4 × 3, और इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 3, ये 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 लिख सकता हूं ना, सॉरी 12 × 3 होगा ना, 36, 12 × 3 होगा, क्लियर है, तो कितना हो जाएगा इसको, 4 × 3 आप लिख सकते हो, ये 3 एज इट इज, तो 3 कितने बार है, 2 टाइम्स है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2, क्लियर। तो ये आपके हो गए फैक्टर, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, डिपेंड करता है आपका माइंड उस टाइम पे क्विकली कितना अच्छा चलता है, ठीक है। तो ये समझने के तौर पे हो गया, अब समझो क्वेश्चन पे आते हैं। भैया मैंने फैक्टर कर दिए इसके, 4 और 9, 4 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, और 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, समझना है ट्रिक, बार बार प्रैक्टिस करने पर ही याद रहेगी, क्लियर।
और मैं बार बार वर्बलाइज करूंगा ताकि आपके माइंड में एकदम माइंड सेट हो जाए, बार बार वर्बलाइज करूंगा जिससे क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी चीजें। इतना हो गया, बस आपको कितना करना है, हमने जो सॉल्यूशन निकाले थे हमें आंसर पता है, हमें बस करना क्या है, जब भी ऐसा फैक्टर करने के बाद पावर में बस प्लस वन कर दो। क्या कर दोगे? पावर में प्लस वन, पावर में प्लस वन कर देना। तो कितनी हो गई, दो के ऊपर कितने की पावर हो गई, दो और एक तीन, और ये कितनी हो गई, दो और एक तीन, तीन और पावर में प्लस वन करके और आपस में उन लोगों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो नाइन हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्या निकाले थे, टोटल फैक्टर कितने निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर कितने निकाले थे, नंबर ऑफ डिवीजर कितने निकाले थे, नाइन निकाले थे कि निकाले थे। अब समझो आसान है, वैल्यू है, फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने का पावर में प्लस वन, प्लस वन आपस में मल्टीप्लाई, फिर बताऊंगा एग्जाम में कैसे करना है, अब ये समझ लो। तो ये कितने हो गए, टोटल फैक्टर नाइन हो गए, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हमने ये पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन क्या था, ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर पूछा था, ऑड संख्या के ऊपर जो पावर है उसमें प्लस वन कर दिए, ऑड डिवीजर है तो ऑड संख्या क्या है, तीन है, ये तो इवन हो गया ना, विषम संख्या ये, तो विषम संख्या के ऊपर जो पावर दी उसमें प्लस वन कर दो, कितनी, तो विषम संख्या, ऑड डिवीजर, विषम, ऑड डिवीजर। हिंदी वाले परेशान नहीं होना, ठीक है ना, कुल भाजकों की संख्या, ये हो गया कुल भाजकों की संख्या, और ये क्या हो गया, विषम भाजकों की संख्या, ठीक। तो विषम संख्या के ऊपर जो पावर में प्लस वन कर दी वो आपका आंसर है, तो विषम संख्या ये, इसके ऊपर प्लस वन, टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, तो आपकी विषम भाजकों की संख्या क्या होगी, तीन। क्लियर हो गया इतना, ठीक। थर्ड क्वेश्चन आपने क्या देखा था, इवन डिवीजर, इवन डिवीजर, सम, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, क्लियर दिख रहा है ना, एक सेकेंड, चलो समभाजकों की संख्या, इसमें क्या करना है, आप ये मत करना कि भाई ये विषम संख्या, ये सम संख्या, सर आपने बोला था विषम में प्लस वन कर दो पावर को और वो लिख दो तीन आंसर, सम में ऐसा मत करना। देखो याद रखना, जीवन में कोई भी आप सीरीज उठा के देखो, दो के मल्टीपल सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, दो के मल्टीपल सबसे, एक से दस तक देख लो, दस से बीस तक देख लो, थर्टी टू फोर्टी तक देख लो, आप कभी भी देख लोगे तो दो के मल्टीपल सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो आप ऐसे मत करना कि बस पावर, आप क्या करना, जब भी आपको समभाजकों की संख्या निकालनी है तो टोटल, टोटल में से माइनस कर दोगे ऑड, बात समझ में आ गई, टोटल में से क्या कर दोगे, ऑड तो इवन मिल जाएगा ना, याद है नौ टोटल थे, ऑड कितने हो गए तीन, तो हमारा सम कितना आया था छह, तो टोटल डिवीजर कितने, नाइन, नाइन में से ऑड गया तीन, तो सम कितने बचे भैया, टोटल में से ऑड निकल गया तो क्या बचेंगे, संख्या तीन ही तो टाइप की होती है, ठीक है ना, संख्या टू टाइप्स की होती है, ऑड इवन और जीरो अलग है, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ऑड इवन में टोटल कितने यार, नाइन, टोटल में से ऑड माइनस कर दो थ्री, तो हमारा आंसर कितना गया, सिक्स, तो हो गए ना यार छह सम, ऐसे भाजक है कितने, सम डिवीजर कितने हो गए, सिक्स, क्लियर। चलो बहुत अच्छे से एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना। अब देखो 10 सेकेंड में क्वेश्चन, लास्ट वाला बता रहा योग का, पहले इसको समझ लो, 36 था आपके माइंड में, क्लियर हो गया, इतना कैलकुलेशन माइंड में कर लो। देखो ट्रिक कुछ नहीं होती, और एग्जाम में एक चीज याद रखना दोस्त, आपको कैलकुलेशन जितना फास्ट कर सकते हो अपने माइंड में उतना अच्छा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जिसका लेवल एकदम आराम से, तो आराम से इंक्रीज करो, ठीक है। आपको पता है 4 9 36 होता है, 4 9 का मिनट, 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, 4 और 9, इतना तो अपने माइंड में कर दिया, तो इसको मैं 4 को सीधे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख दूंगा 3 का स्क्वायर। सर ने क्या बताया, बस पावर में प्लस वन कर दो, बस पावर में प्लस वन कर दो और उसका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो टोटल डिवीजर, कुल भाजक निकल जाएंगे, टोटल डिवीजर निकल जाएंगे कितने, पावर में प्लस वन इसकी पावर में, और आपस में क्या करना है इनका, मल्टीप्लाई, जो भूल जाते हो आपस में क्या कर दिए, मल्टीप्लाई, तो टोटल डिवीजर कुल भाजक कितने निकल गए, 9, ठीक है ना, कुल भाजक है, कोई समस्या, 9। ऑड डिवीजर मतलब विषम भाजक, ऑड डिवीजर विषम भाजक क्या हो गए,
विषम संख्या ऑड संख्या के ऊपर पावर में जो प्लस वन कर दी वो आपका आंसर है कितना, तीन। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बार बार आप चीजें वर्बलाइज करोगे तभी चीजें बैठेगी माइंड में। ऐसा नहीं है कि सडनली आप नई चीज पढ़ रहे हो सडनली बैठ जाए, क्लियर। ऑड डिवीजर, ठीक है ना, ठीक है ना, कुल भाजक है ये, कुल भाजक और ये क्या है, विषम, ठीक। इसके बाद क्या देखे हमने, इवन। देखो बार बार एक दो बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं, एक क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, बाकी आप मुझे पता है बहुत अच्छे से कर लोगे, है ना। इवन डिवीजर, अब इवन कैसे करोगे यार, एक चीज याद रखना, कोई भी सीरीज पढ़ोगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था इवन डिवीजर सबसे याद होंगे, तो ये मत करना इवन के ऊपर जो प्लस वन है बस लग दो सर तीन। टोटल डिवीजर, टोटल इवन निकालना है तो टोटल डिवीजर माइनस ऑड, तो टोटल कितने, नाइन, ऑड कितने, तीन, तो नौ में से तीन के अच्छे हैं आपका आंसर। और भाई साहब इतना लिखना थोड़ी ना एग्जाम में, आपने देखा दो का स्क्वायर है प्लस वन, उधर तीन का स्क्वायर है प्लस वन, तीन और तीन नौ, पहला क्वेश्चन, ऑड की पावर टू प्लस वन थ्री, तो ऑड डिवीजर तीन, नौ में से तीन के अच्छे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अभी नोट्स बना बहुत अच्छे से। अब लास्ट क्या बचा है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जहां गलतियां होती है इसलिए उसके लिए बताया हूं, ठीक है। लास्ट सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर, ठीक है। लास्ट एक ही प्रोसेस से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, एक ही चीज से आपने एक ही चीज करनी है। इसको क्या लिख सकते थे बताया था मैंने अभी, दो का स्क्वायर, दूर दूर लिख लेना है ना, तीन का स्क्वायर, क्या याद रखना है, पावर में प्लस वन करते, इतना याद है, हाँ याद है सर, इतना तो हो गया, इतने बार बोल चुके, पावर में बस प्लस वन करना है, अब याद रखना, ठीक है, दो तीन बार बोलेंगे याद हो जाएगी। जो बेस है ना, बेस क्या है, दो, इसमें बस माइनस वन कर देना, ये जो बेस है ना इसमें माइनस वन कर दे, हमने योग करे तो क्या आया था आंसर, सारे फैक्टर को सम करे थे तो 90 बनाया था आंसर, बेस में माइनस वन करके ये बेस उठाकर बस नीचे रख दो, बेस में माइनस वन करके बेस में बेस नीचे बस रख देना, तीन चार बार कर लेना याद हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक। एंड रिपीट, मैं क्यों रिपीट करवा रहा हूं, हाँ आप एक जिसको समझ में आ गया आप आगे बढ़ जाना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा के देख लेना। क्या बोल रहा हूं, चार को क्या लिख सकते हैं, दो का स्क्वायर, तीन को क्या लिख सकता हूं, नौ को क्या लिख सकता हूं, तीन का स्क्वायर, पावर में प्लस वन तो करना ही था भैया, कर लिए, बेस है ना बेस, इसमें माइनस वन, और यही बेस उठाकर नीचे रख दो, बहुत टफ नहीं है, बेस में माइनस वन, यही बेस तो नीचे रखना है, अगर एग्जाम निकालना है तो भाई इतना तो कर ही सकते हो, उतना थोड़ी ना लिखोगे आप आगे तक, सबको जोड़ोगे थोड़ी ना, ठीक भैया। एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, फिर इसको बताऊंगा एग्जाम में कैसे करेंगे, इसको क्या, दो की पावर तीन माइनस वन, और दो में से एक क्या, एक इन टू, थ्री के ऊपर कितने की पावर हो गई, तीन की माइनस वन अपॉन, तीन में से एक क्या, दो, दो के ऊपर तीन की पावर, दो के ऊपर तीन की पावर मतलब दो कितने बार है, तीन बार है, मतलब ऐसा है, दो कितने बार है, तीन बार है, मल्टीप्लाई कर दो तो दो का क्यूब क्या होता है, आठ, आठ में से एक गया, डायरेक्ट लिख दो सात, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है, नहीं लिखता इसके बाद वाले क्वेश्चन, एक ही है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक। इन टू थ्री के ऊपर कितने की पावर है, थ्री की, मतलब थ्री कितने टाइम्स है, तीन बार है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 27, 27 माइनस का क्या है, वन, डिवाइड बाय टू। आप सर बोलोगे एग्जाम में सर इतना टाइम नहीं मिलता, 30 सेकंड के पहले क्वेश्चन निपटानी है तो 30 सेकंड के पहले क्वेश्चन निपटा दो, ये भी बताऊंगा कैसे, ठीक है। तो कितना बचा, आठ में से एक गया सात, 26 डिवाइड बाय टू कितना हो गया, 13, और 13 और सात का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 91 आया आपका आंसर, ठीक, 91 आपका आंसर, कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो यार एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में क्या करना होता है, पेशेंस बना के रखोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि 31 टॉपिक है, 30 प्लस टॉपिक है मैथ्स में, और उसमें भी इतनी वैरायटी कि आप अगर टेस्ट लगाने बैठोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो एक एक टॉपिक में 300 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, टाइप भी अलग अलग मिलेंगे, इतना टाइम नहीं कि एग्जाम में आप फटाफट टाइम मैनेज कर लो, अभी टाइम है, अभी ही क्लास में आप अपनी कॉपी लेकर बैठो, पॉज कर बहुत अच्छे से वीडियो देखो, दो बार देखो
कुछ ऐसे टॉपिक है कि आपको पेन लगाने की जरूरत नहीं, याद हो जाएंगे। क्या लिखा था? बस क्वेश्चन खत्म। पावर में प्लस वन कर लो तो अच्छा है, कोई समस्या नहीं। माइनस वन इतना तो कर ही लिए थे, बेस में माइनस वन करे थे, बेस नीचे लिख दिए थे, इतना बस करना है आपको, बस सब चीज के लिए इतना करना है बस। मतलब चारों क्वेश्चन पूछा है तो इतना तो कर सकते हो, इतना लिख के बैठ जाना अगर चारों क्वेश्चन पूछा है तो, ठीक है। या तो आप सीधे सीधे पूछेगा 36 ऐसी कितनी संख्या जिसको 36 से डिवाइड किया जा सकता है, तो या तो फिर आप डायरेक्ट कर देना बस इतना, या फिर इतना आपको लिखना है बस, पूरे क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गए। अगर टोटल भी, टोटल तो बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, बस क्या करना है, दो के ऊपर कितने की पावर हो गई 3, स्टेप कितनी बढ़ा लो, यहीं खत्म कर दो। दो के ऊपर 3 की पावर 8, 8 में से 1 गया 7, बस दो में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। 3 के ऊपर 3 की पावर 27, 27 में से 1 गया 26, दो में से 1 गया, सॉरी बेस कितना है यहाँ पे 3 है, हो जाती है मिस्टेक, ठीक है ना। 27 में से 1 गया 26, दो में से 1 गया 2, 26 को 2 से डिवाइड करो कितना बचेगा 13। कितना टाइम लगेगा पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में? ज़्यादा से 10 to 20 seconds, 15 seconds। बशर्ते है कि कैलकुलेशन आप कितने जल्दी कर सकते हो, मेरा काम था क्वेश्चन समझाना, नहीं तो बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है, याद नहीं हो पाती है, इसलिए इस चीज़ को मैं इस तरीके से बार बार रिपीट करके समझा रहा हूँ। पावर फैक्टर करके पावर में प्लस वन करना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई, तो टोटल डिवीजर, ऑड डिवीजर, ऑड संख्या के ऊपर पावर में प्लस वन ऑड डिवीजर, इवन डिवीजर, टोटल में से ऑड डिवीजर माइनस इवन डिवीजर, सम निकालना है, योग निकालना है, तो क्या करोगे, फैक्टर में पावर में प्लस वन तो करते ही थे, बेस में माइनस वन वही बेस नीचे, बेस में माइनस वन वही बेस नीचे, बस। कैलकुलेशन आप जितने जल्दी कर लो, 5 स्टेप में भी कर सकते हो, यहीं भी खत्म कर सकते हो। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, एक क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर लो कि बाकी सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। अब मुझे नहीं लगता कि अब टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन इतने अच्छे समझा दिया हूं कि अब मुझे नहीं लगेगा, भले ही पहला क्वेश्चन टाइम लगा होगा, नो डाउट, ठीक है ना। ये मेरी हर क्लास में कि पहला क्वेश्चन को आपको समझाने में ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मेरा मोटिव रहता है, उसके बाद आप क्वेश्चन फटाफट उड़ा दोगे, आई नो। चलो निकालो 144 का निकालो, सॉल्व करो ना, चारों क्वेश्चन सॉल्व करो। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ डिवीजर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, सॉल्व करो। कुल भाजकों की संख्या, थर्टी सेकेंड है आपके, निपटाओ क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड नंबर ऑफ ऑड डिवीजर, विषम भाजकों की संख्या, थर्ड क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ इवन डिवीजर, समभाजकों की संख्या, लास्ट क्वेश्चन क्या था। अब जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, जरूरी नहीं चारों पूछेगा, एक क्वेश्चन से हमने चार क्वेश्चन बना सीख ले, सम ऑफ डिवीजर, सम ऑफ डिवीजर, भाजकों का योग, ठीक है ना। थोड़ा बहुत अगर राइटिंग इश्यू होगा तो देख लेना, ठीक है ना, भाजकों का योग। और कभी जल्दी जल्दी में कहीं कोई वर्ड अगर गलत लिखा गया या कोई डिजिट मल्टीप्लिकेशन में कभी गलत हो गया तो इसको बड़ा इश्यू मत बनाना यार, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप सही कर लिया करो, ठीक है ना। अगर कहीं थोड़ा बहुत भी अगर एरर आ जाता है, कुछ लोग उसी को लेकर बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करो, हो गया क्या क्वेश्चन सॉल्व, चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन है या तो फैक्टर करो एलसीएम लेकर, या फिर मुझे पता है कि 12 और 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है 144, 12 को लिख सकता हूँ 4 × 3, है ना, इसको भी लिख सकता हूँ 4 × 3, बस। क्या समझ में आ गया, 3 कितने बार है, 2 बार। देखो आपको नहीं कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है तो आप फैक्टर करो, कोई समस्या नहीं है, फिर धीरे से स्पीड मेंटेन करो, कोई समस्या नहीं है। 12 × 12 लिख सकता हूँ ना 44 को, मेरी मर्जी, फैक्टर मेरे को करना है, आपको तो अपने अकॉर्डिंग कर लो एलसीएम लेकर, आपको लगता है फटाफट कर लो, उसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 मतलब 2 और 2, 4 मतलब 2 और 2, 2 यहां के 2 और यहां के 2, कितने हो गए, 2 कितने बार, 4 बार,
दो कितने बार हो गए? चार बार। बस पावर में क्या कर रहे थे? प्लस वन। पावर में कितना कर रहे थे? प्लस वन। यही था ना। देखो यहां दो कितने बार है, इसको चार को क्या लिख सकते हो? टू इंटू टू। इसको कितने लिख सकते हो? टू इंटू टू। दो और दो, दो कितने बार है? चार बार। और तीन कितने बार है? दो बार। पावर में क्या बताया था? प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई टोटल निकल जाएगा। दो और एक तीन, चार और एक पांच, तो कितना हो गया भाई? टोटल डिविजर कितने हो गए? पंद्रह। क्लियर दिख रहा है ना? फिफ्टीन। खत्म क्वेश्चन। ऑड डिविजर, ऑड कौन सी संख्या है? ऑड मतलब विषम संख्या, दो के मल्टीप्लाई ना हो, दो के मल्टीपल ना हो। दो का कौन नहीं है? तीन नहीं है। तो ऑड संख्या के ऊपर जो पावर है उसका प्लस वन, तो ऑड संख्या के ऊपर पावर में प्लस वन मतलब दो और एक तीन। इसका आंसर तीन। समभाजक, इवन डिविजर, क्या बताया था? टोटल में से ऑड माइनस, पंद्रह में से तीन, कितना? बारह, ट्वेल्व। क्लियर? योग निकालना है? दूर दूर लिख दूं कोई समस्या? चलो दूर दूर लिख लेते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ना। दो कितने बार है, या तीन लिखा था ना पहले, तीन कितने बार है? दो बार है। और यहां पर कितना है? दो कितने बार है? चार बार है। प्लस वन पावर में, प्लस वन पावर में, पावर में प्लस वन करते इतना तो याद हो गया। बार बार वर्बलाइज करो। मैंने कई बच्चों के कॉल आए हैं मेरे पास जिनने उनने कहा है सर जितने बार आप बार बार बोलते हो तो वो चीज माइंड में स्ट्राइक कर जाती, कई बार गलती करने से बच जाते हो, याद हो जाती चीजें। बेस में माइनस वन करना है और वही बेस कहां रखना है? नीचे। बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएगी। बेस में माइनस वन, बेस में माइनस वन, बेस में माइनस वन कर दिए और वही बेस कहां रख दिए? नीचे। देखो तीन के ऊपर कितने की पावर? तीन। तीन के ऊपर पहले पावर सॉल्व करना, बाद में माइनस करना, पहले माइनस मत कर देना। तीन के ऊपर कितने की पावर? तीन। तो तीन के ऊपर तीन की पावर कितना होता है? 27। 27 में से वन जाएगा, कितना बचेगा? 26। 26 को टू से डिवाइड करोगे, नीचे तीन में से गया दो इंटू, ये आप लोग के ऊपर है, मैं डायरेक्ट 13 लिख देता, ये आपके कैलकुलेशन के ऊपर है। इंटू दो के ऊपर कितने की पावर होगी? चार और एक पांच। दो के ऊपर पांच की पावर, टू रेस टू फाइव, कितना होता है? 32। इसकी वैल्यू होगी दो। यहाँ पे लिख लेना, अगर करना हो तो अलग से लिख लेना, आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। दो के ऊपर पांच की पावर 32, 32 में से एक गया 31 मतलब 31, 32 में से बन गया 31 और दो में से एक गया एक, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कितना हो गया? 13। दो से भाग दोगे तो कितना हो गया? 13। 13 का मल्टीप्लाई कर दो 31 में, 13 का मल्टीप्लाई करो 31 में, 13 के 3 बचा 1, 39 और 1 40, 40। 403 आपका आंसर हो गया। ये समझाने में इतना टाइम लगता है लेकिन जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम में करोगे तो अब इतना टाइम लगेगा ही नहीं दोस्त। ठीक है, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था। 27 में से एक गया 26, नीचे दो से काटोगे 13, वहां पे हो गया 32 में से एक गया 31, नीचे तो बचेगा नहीं, 13 एकम 13 की 3 और 40, 403। खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गया? नहीं लगेगा टाइम? अब बन रहे हैं क्वेश्चन ना, क्लियर दिख रहा है? ओके गॉट इट। चलो बस यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस क्वेश्चन बदल दे रहा हूं, चारों चीज निकालो तो मजा भी आ रहा है। ठीक है ना, अब चलो सॉल्व करो। 196 निकालिए, थर्ड क्वेश्चन 196। 30 सेकेंड है आपके पास, अब तो स्पीड पकड़ लो। हो गया। जिनका हो जाता है वो इसके बाद ये कर लो। 136 के बाद फोर्थ क्वेश्चन है, यही निकालना है। जिनका हो जाएगा कोई समस्या नहीं है, बस आंसर मिला लेना। 180 निकालो। जिनका ये हो जाएगा वो ये निकालना। 244, जिनका ये हो जाएगा वो 366 निकालना। इतने क्वेश्चन में तो माहिर बन जाओगे। यही हो रहा है रिवीजन। ठीक, नंबर सिस्टम बहुत मैटर करता है, टॉपिक है ना, बहुत मैटर करता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्कोर करता है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर कॉन्सेप्ट जिसके बन गए तो बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे कम टाइम के अंदर। क्लियर? चलो करो फटाफट।
करें पहला क्वेश्चन 196 का। देखो 196 या तो आप फैक्टर निकालो तो भी आसान है, या फिर आपको पता है कि क्या हो रहा है, 14 का स्क्वायर है, मतलब 14 कितने बार होगा इनका, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 196। तो मैं 14 को क्या लिख सकता हूँ, 7 into 2, और यहाँ भी क्या लिख सकता हूँ, 7 into 2, दिख रहा है ना, छोटा तो नहीं हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, ओके चलो यहाँ देख लो, 196 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, 14 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 14 लिख लिया अलग अलग, स्क्वायर मतलब 14 कितने बार है, 2 times है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 into 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 into 2, या फिर क्या करें, आप फैक्टर करें, उसमें भी बड़ा टाइम नहीं लगना है, 196 का अगर फैक्टर भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, तो हो जाएगा, अब 2 की जगह सीधे 4 से भाग दे तो अगर जा रहा है तो, ठीक है ना, तो 2 कितने बार है यार, 2 बार, 7 कितने बार है, 7 भी 2 times है, क्लियर दिख रहा है, ओके, बस क्या बताया था मैंने, पावर में प्लस वन, अब तो इतना नहीं भी करोगे तो समझ में आएगा, 2 कितने बार है, 2 बार, 7 कितने बार है, 2 है, प्लस वन करोगे 3, 3 दोनों में आ जाएगा, वापस से मल्टीप्लाई होगा, 9 होगा आंसर, तो ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो गया, क्या होता है टोटल में, दोनों पावर में प्लस वन कितना हो गया, 3, और इसमें पावर में प्लस वन 3, 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 9 हो गया आपका, 3 into 3 टोटल डिवीजर निकल गए, पावर में प्लस वन करके आपस में मल्टीप्लाई, ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर मतलब ऑड नंबर कौन सा है, 7, 7 आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, उसके ऊपर पावर में प्लस 1, 2 plus 1 3 आपका आंसर, ठीक। इवन डिवीजर, इवन क्या होता है, टोटल में से ऑड माइनस, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधे 6 लिख दो या फिर लिख लो टोटल 9 में से ऑड गया 6, और सम निकालना है तो क्या करो, बेस में माइनस 1, बेस में माइनस 1, वही बेस कहां कर दो, नीचे 2 minus 1 7 minus 1, 2 के ऊपर 3 की पावर है, 2 raised to power 3 हो गया, तो 8 हो गया, 2 के ऊपर 3 की पावर क्या होता है, 8, 8 में से क्या 7, ठीक है ना, 7 हो गया, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, इनटू ये कितना हो गया यार, 7 का क्यूब 343 हो गया, 343, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, माइनस 1, और 7 minus 1 6, तो 7 into कितना हो गया, 342 डिवाइड बाय 6, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ से काट लो 6 से 5 बार, बचा कितना 4, फिर कितने बार, 6 7 42, 7 times गया, मल्टीप्लाई कर लो, 7 49 9 4 35 3 99 आपका आंसर, ठीक है, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कितने फास्ट करते हैं, क्लियर है, तो ये आपके 196 हो गया, ठीक, गॉट इट, 180 करिए फास्ट, हो जाएगा, अब तो बन रहा होगा, चलो अब किसको देखेंगे, फोर्थ नंबर 180 की बात कर रहे हैं, फैक्टर करो, इसके फैक्टर 2 टाइप से कर सकते हैं, एक तो हो रहा है भाई 180 को हम दो बार कैसे कर सकते हैं, 18 और 10, 18 और 10 का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, 180 होता है, 10 को लिख सकता हूँ 2 into 5, और इसको किस क्या लिख सकता हूँ, 9 into 2 लिख सकता हूँ, और भी चीजें लिख सकता हूँ, 6 into 3 लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको क्या 9 into 3 लिख लिया, 2 कितने बार हो गए भाई साहब, 2 हो गए 2 बार, ठीक है, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आपने तो 2 ही बताया, इसमें 3 आ गए, 5 एक अलग है, तो 5 को अलग से लिख लो, 5 कितने बार है, 1 बार, इसको अलग से अलग लिख लो, बस भाई कोई समस्या है क्या इसमें, चलो इसको डिटेल में बता देता हूँ, 180 है ये 180, ठीक है, इसे तो अब लिखने की जरूरत नहीं ना, मिटा दें, चलो इसको डिटेल में देख लो एक बार, है ना, जो गलतियाँ हो सकती हैं, मैं नहीं चाहता कि जल्दी जल्दी में कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, तो कई बार बच्चों से जो गलती हुई है, 2 से 90, 2 से 45,
फिर किससे जा रहा है, तीन से वन और कितना फाइव टाइम्स, थ्री से फाइव टाइम्स और फाइव से वन, आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैंने भी वही किया था। देखो मेरे टू किसने कितने टाइम्स आए थे, टू टाइम्स आए थे, थ्री टू टाइम्स आए थे, फाइव वन टाइम्स आया था ना, तो दो कितने बार है यार, देखो तो फैक्टर तो कर लिया हूं मैंने, तो दो कितने बार है, दो बार है, तीन कितने बार है, दो बार है, और पांच कितने बार है, एक बार है। इतना क्लियर हो गया, कोई समस्या है नहीं। क्या बताया था, पावर में बस प्लस वन करो, पावर में प्लस वन कर दो बस। तो पावर में प्लस वन करे तो इसकी पावर में कितने हो गए, तीन, इसकी पावर कितनी हो गई, तीन, और वो कितना हो गया, टू, ठीक है ना, थ्री थ्री टू, मल्टीप्लाई कर लो, नाइन इंटू टू एटीन, तो टोटल डिवीजर कितने हो गए, टोटल, ठीक है, कितने हो गए, नाइन एटीन, ठीक है, क्लियर, टोटल डिवीजर, ठीक। ऑड कितनी संख्या है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, दो का मल्टीपल है कि पांच और तीन दोनों नहीं हो, दो के मल्टीपल, दो के मल्टीपल नहीं मतलब क्या हो गए, ऑड हो गए, तो ऑड संख्या का ले लो, ऑड डिवीजर, ऑड डिवीजर क्या होंगे, तीन हो चार हो पांच हो में मतलब नहीं है, तीन के ऊपर ऑड संख्या के ऊपर की पावर में प्लस वन, दो और एक तीन, तीन है, पांच के ऊपर पावर जितनी वन प्लस वन टू हो गई बस, सिक्स हो गया, सिक्स ये हो गए ऑड। इवन क्या होता है, इवन होता है टोटल में से ऑड माइनस, तो टोटल माइनस ऑड, टोटल कितना है 18, 18 माइनस 6 तो कितना हो गया 12, 12 हो गया आपका ऑड, इतना तो समझ में आ गया। इसका सम देख लेते हैं, क्लियर हो गया, चलो इवन, अब इसका सम देख ले, चार क्वेश्चन बनते हैं, आई थिंक सो याद हो गया होगा, अच्छा लगे तो कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, बाकी कोई समस्या नहीं है यार, है ना, लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, स्टेटस में शेयर करें, और लगता है अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, और किसी प्रकार की समस्या है आप लोगों को पढ़ाई को लेकर, ठीक, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम, जिस सिटी से हो, जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। जितने बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मैं कम टाइम दे पाता हूँ, लेकिन देता हूँ प्रॉपर, भाई थोड़ा लेट हो, है ना, सिद्धार्थ है, गगनदीप है, और भी लोग हैं, ठीक है, तो इसका सम कैसे करेंगे, क्या बोला था, पावर में प्लस वन तो हमेशा रहेगा, बस बेस में माइनस वन करना है, बेस में माइनस वन करना है, बेस में माइनस वन करना है, और यही बेस उठाकर नीचे कर देना है बस, पूरा पूरा हो गया, कैलकुलेशन कर दो, दो के ऊपर तीन की पावर आठ, आठ में से एक गया सात, ठीक है ना, तीन के ऊपर तीन की पावर हो गई सत्ताईस, सत्ताईस में से एक गया छब्बीस, नीचे बचा दो काट दो डायरेक्ट तेरह लिख दो, नहीं लिखना है तो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तीन के ऊपर तीन की पावर ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस वन ट्वेंटी सिक्स, आप लोग आराम से करें, कोई समस्या नहीं है, अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, थ्री में से बन गया टू इंटू फाइव क्यू का स्क्वायर हो गया ना, तो फाइव का स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव फाइव माइनस वन ट्वेंटी फोर, पहले पावर सॉल्व करोगे माइनस बाद में करोगे, 5 माइनस वन फोर, क्लियर, ये कितना हो गया 13, ये कितना हो गया 6 टाइम, ठीक, कितना हो गया ये 91, और ये 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6 और 54, ठीक है ना, तो 546 आपका आंसर हो गया, क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक, आई थिंक सो नहीं होगी। लास्ट 244, ठीक है, 244 है, क्लियर, चलो आपको जब समझ में नहीं आए फैक्टर कैसे निकाल लें तो कोई समस्या नहीं है, फैक्टर निकाल लो, बस स्पीड मेंटेन करना यार, 244 है, 2 से दे दो 1, 2, 2, ठीक है, कोई समस्या है यहां तक, टू से कितने बार जा रहा है 6 टाइम और 1, अब जा रहा है भाग, ये यूनिक नंबर है, ठीक है ना, जिसमें भाग नहीं जाएगा, एक प्राइम नंबर होते हैं जिसमें एक खुद का अभाज्य संख्या होती है, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा, देख लो आप, ठीक है, तो आपका क्या मिल गया 61 से ही जाएगा, इसके अलावा किसी से नहीं जाएगा, तो आपके फैक्टर क्या हो गए 244 के, आपने क्या निकाला, 2 कितने बार है 2 टाइम्स है, और 61 कितने टाइम्स है 1 टाइम है, बस
क्या करना था, पावर में प्लस वन, तो भाई ये हो गया तीन और दो, तीन और दो का आपस में मल्टीप्लाई सिक्स टोटल, ठीक है। ऑड क्या होंगे, ये हो गया टोटल भाई साहब, टोटल डिविजर ऑड क्या हो जाएंगे, ऑड संख्या कौन सी, ये है विषम संख्या, कितने हो गए एक और एक दो, तो दो हो गए ऑड हो गया ना। इवन क्या होगा, छः में से दो गया, टोटल में से ऑड, चार, क्लियर इतना। वॉट इट, सम, सम क्या होता है, इसे मिटा देता हूँ, सम बता देता हूँ, जल्दी फास्ट तो नहीं हो गया, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें, क्लियर। बेस में माइनस वन करते थे, बेस में माइनस वन करते थे, यही बेस नीचे उठा के रख देते थे, टू माइनस वन, सिक्सटी वन माइनस वन कितना हो गया, दो के ऊपर कितने की पावर हो गई, तीन, आठ, आठ में से एक गया सात, सेवन, ठीक है। ये कितना हो गया, 61 का स्क्वायर क्या होता है, कितना होता है, 3721 माइनस वन, टू वन है ना, राइट, टू है, कितना हो गया ये बचा 60, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना, डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने जल्दी। ये कितना हो गया 3720, 60, जीरो से जीरो जाएगा, सिक्स से किसने जाएगा, सिक्स टाइम, और ये टू टाइम, ठीक है ना, तो 14 का 4 वन 43, 343 आपका आंसर, गेटिंग अ पॉइंट, क्लियर, ठीक। एंड लास्ट बताइए 336 का, कुछ बच्चे ने, को मैंने लास्ट क्लास में इसका होमवर्क भी दिया था, आई थिंक सो बन गया होगा, करिए, कर लेंगे सॉल्व इसको, चलो अच्छा लगे सेशन तो इन कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग का एप्रिसिएशन ही अच्छा है ना, तो 336 है ना, चलो फैक्टर कर लो, कोई समस्या नहीं है, कितने से देते भाग, दो से दे देते, वन कितना हो गया, सिक्स टाइम जाएगा, कितना हो गया, एट टाइम जाएगा, ठीक है। फिर टू से दे दिए, कितने बार जाएगा, एट टाइम्स, और टू से कितने बार, फोर टाइम्स, फिर टू से दे दिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने फास्ट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, फोर टाइम्स, और टू से टू टाइम्स, टू से टू एंड वन, थ्री से सेवन टाइम्स, है ना, सेवन से ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, हो गया फैक्टर। टू कितने टाइम्स है, फोर टाइम्स, तो टू कितने टाइम्स है, फोर टाइम्स, थ्री कितने टाइम्स है, वन टाइम्स, इस साइड लिख देता हूँ, सेवन कितने बार है, वन टाइम, ठीक है ना। प्लस वन पावर में, ठीक है, तो कितना हो गया ये फाइव, ये कितना हो गया टू, ये कितना हो गया टू, कितना हो गया टेन इंटू टू, ट्वेंटी, तो ट्वेंटी हो गया टोटल, क्लियर, ओके, टोटल हो गए। अब बचा है ऑड, ऑड संख्या कितनी है, दो, लास्ट क्वेश्चन करे थे याद है, थ्री और फाइव मिला था हमें ऑड, इसमें कितने, दो ऑड नंबर में, इसमें कितने हैं, दो, कितने हो गए भाई साहब, चार, ये कितने हो गए, ऑड। इवन क्या होता है, देखो अब आसान लगने लगा होगा ना, 20 टोटल में से ऑड माइनस कर दो तो कितना हो गया, इवन 16, इवन, ठीक, इतना क्लियर है। अब देखो बेस में माइनस वन, बेस में माइनस वन, अब देखो बार बार प्रैक्टिस करने से आसान लग रहा है ना यार, बस पेशेंस रखने की जरूरत होती है, ठीक है ना। चल टू के ऊपर कितने की पावर होगी, फाइव, 32 माइनस वन 31, थ्री का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 में से बन गया 8, 8 बाय 2, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस वन 48 डिवाइड बाय 6, कैलकुलेट करिए, तो ये कितने बार, 4 टाइम्स, ये कितने बार, 6 से 8 टाइम्स, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 4, और ये 12, और 8 का फिर मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 32 की 2 बचा 3, 8 दुनी 16, 16 3 19 के 9 बचा 1, 8 और 1 10, कुछ मिस्टेक हो रही है क्या कहीं भी, ओके 9 आएगा ना यहां पे, 9932, क्लियर, चलो
मैंने ये चीज बताई, थोड़ी थोड़ी चीजें हो जाती तो देख लिया करना, ठीक है ना गाइस। अब क्लास ओवर करने का टाइम आ गया है, तो आप लोग को बहुत इंटरेस्ट से चीजें समझ में आ रही होगी आई थिंक सो। बेसिक्स अगर उठते हैं और आगे तक आप क्लासेस देखते हैं तो आपको चीजें बहुत एग्जाम पैटर्न के हिसाब से बहुत आसान हो जाती है। बस यही चीजें स्टार्टिंग से बने रहे। दूसरी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, हमारे पास जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट आप देखेंगे, पूरा नाम ये है संदीप। देखो स्पेलिंग लास्ट की सरनेम अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, SONGADE संदीप सोनगढ़े सर, राइट ठीक। इस पर जाएंगे आपको एक वीडियो मिलेगा, वीडियो का ऑप्शन आएगा और दूसरा नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है प्लेलिस्ट का। इसमें जो प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, एक होगी नंबर सिस्टम की, नंबर सिस्टम एपी करके, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस है एपी, ठीक। सेकंड प्लेलिस्ट मिलेगी जो आप पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम 01, ये प्लेलिस्ट है। तीसरी प्लेलिस्ट मिलेगी लूसेंट, लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। फोर्थ मिलेगी आपको एलजेब्रा, एलजेब्रा जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 10 वीडियोस है एलजेब्रा की, सारे टाइप है और लास्ट में चार वीडियोस देखेंगे आप, आगे तक जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर CGL CPO CHSL के सारे क्वेश्चन। एंड एक और प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, कौन सी, एमपी PSC, एक्चुअली वो UPSC के लिए भी काम आएगा, हिस्ट्री चल रहा है उसमें, ठीक है ना, ठीक क्लियर। तो ये सारी प्लेलिस्ट है, आप जाकर जरूर पढ़ें। लास्ट एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। कोशिश करें आप हम लोग के साथ कम्युनिकेशन में बने रहें आई थिंक सो, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी होता है, ठीक। लास्ट एंड स्क्रीन पे भी आपको चीजें आएंगी, आप सब्सक्राइब करें चैनल, अच्छा लगे तो लाइक करना जरूरी है, अगर अच्छा पढ़ा है तो उस एनर्जी से पढ़ा जैसा एक स्टूडेंट को जरूरत है तो बिल्कुल लाइक करें। एंड गाइस कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका पढ़ेंगे हम रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल पढ़ेंगे ना, शेषफल निकालना, ठीक है, शेषफल निकालना पड़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक, विद इन सेकेंड। लास्ट आप वीडियोस देखें, ये प्लेलिस्ट जरूर देखें, अगर आप नंबर सिस्टम कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखें, नंबर सिस्टम 01, उसके बाद नंबर सिस्टम AP, देन सारी चीजें, तो ये जरूर देखें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।